नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र की कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले को लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। पार्टी के किसान नेताओं के साथ बैठक में पार्टी आलाकमान ने सभी नेता से कहा कि आप जनता के बीच जाकर जो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान आंदोलन अब देश की जाट बेल्ट की ओर बढ़ता और असर छोड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए यह चिंता का विषय बन गई है। बीजेपी को इस आंदोलन से करीब 40 लोकसभा सीटों पर नुकसान होने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के किसानों में देखी गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में हो रहे खाप पंचायतों को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने यह बैठक बुलाई थी। दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे किसानों में ज्यादातर इन्हीं राज्यों के हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।